नमस्कार दोस्तों, आप सभी सूर्य कुमार यादव को और ऋतु राज गायकवाड़ को एक अच्छी खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले जसवीत बुमराह बुम बुम बुमराह और सूर्य कुमार यादव के बारे में, जो सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी की अपने टीमों के लिए, और अगर वो आउट ना होते तो 200 का स्कोर पार हो जाता मुंबई का, लेकिन उनकी आउट होने की वजह से इस मुकाबले में 200 का स्कोर पार नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ अपने टीमों को जीत मिला। आज की इस वीडियो में पंजाब और मुंबई के बीच खेले गए मैच की फुल हाईलाइट दिखाएंगे, जो कि मैच में दरअसल हुआ क्या क्या था। इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाजी दोनों ही टीमों की तरफ से देखने के लिए मिला, और ज्यादा इंपोर्टेंट तो हमें लगा पंजाब किंग के तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से आशुतोष शर्मा ने जो पारी खेले, लाजवाब खेले, शानदार खेले। खुदा न खास अगर ग्राउंड पर और कुछ देर वो रुक जाते 10 गेंद तो इस मैच को पासा पलट करके ही आते, ऐसे भी पलट चुके थे, लेकिन उनके पास विकेट नहीं थे। और विकेट के साथ साथ आपको बता दे जो कि एक खिलाड़ी भी रहते ना मारने वाला, तो इस मैच को जिता सकते थे। लेकिन आशुतोष शर्मा ने तो अच्छे पारी खेले, लेकिन जीत को उस कन्वर्ट में ना बदल पाए, जिस कारण से पंजाब को मिल गई हार। और जसवीत बुमराह ने इस मुकाबले में 3 बड़े खिलाड़ी का विकेट लिए, इस मुकाबले में विकेटों के तो गुच्छों में विकेट लिए। इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वाली उनकी तरफ से गेंदबाजी देखने के लिए मिला। अगर उनकी से पंजाब के खिलाफ अगर मुंबई की गेंदबाजी ना चलती तो इस मुकाबले में पंजाब जीत जाती और मुंबई को हार मिलता, क्योंकि पंजाब का जो बैटर था आशुतोष शर्मा ने वो कभी भी हार माना ही नहीं। इस मुकाबले में लग रहा था मैच को जिता करके ही आएगा, और ऐसा भी खेल रहे थे। और देखिए 5 गेंद शेष था और 10 विकेट गिर जाने की वजह से 9 रनों से हार गए। मान लीजिए वहां पर आशुतोष शर्मा रहते और 5 गेंदों में 9 रनों की दरकार है तो वहां पर ही क्या होता, इस मैच को तो मुंबई बड़ी आसानी से हार जाता और पंजाब किंग इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत जाता। इस प्रकार मैच का पासा पलटता। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।